डालो रे। देखो आईपीसी नेम जो अपन कर रहे हैं, तो पता है सबसे पहले अपन लिखते हैं क्या, सबस्टिट्यूएंट, है ना। सबसे पहले लिखते हैं सबस्टिट्यूएंट, उसके बाद अगर वो कंपाउंड साइक्लिक है तो क्या लगाएंगे बताओ, साइक्लो। साइक्लो के बाद लगाएंगे अपन रूट वर्ड या वर्ड रूट, उसके बाद आप लगाएंगे क्या बताओ, एन इन आइन, और सबसे लास्ट में जोड़ते अपन क्या बताओ, फंक्शनल ग्रुप। सबसे लास्ट में जोड़ते फंक्शनल ग्रुप, ओल एल है ना, ओइक एसिड, इस प्रकार के। तो सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट, फिर साइक्लो, फिर रूट वर्ड, फिर एन इन आइन, और सबसे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। ये अपना तरीका है आईपीसी नेम लिखने का, ठीक है। और अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं आईपीसी नेम किन का बताओ, एल्केन का। किसका? एल्केन का, ठीक है। और एल्केन में सबसे पहला जो एग्जांपल है वो ले रहा हूँ मैं CH4, जो कार्बन है ना भाई, कार्बन, उस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार वैलेंसी होती है, फोर वैलेंसी है, इसका मतलब फोर बॉन्ड बनाएगा, तो आप इसके फोर बॉन्ड बना दें ऐसे, ये लो, ठीक है, फोर बॉन्ड बन गए। फोर बॉन्ड जब ये बनाता है क्या हो गया, ये CH4 कितना है, ये चार, और इस चार के कारण एक कम करो, हाइब्रिडाइजेशन होगा कौन सा, sp3। तो CH4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और sp3 होता है तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थी कौन सी बताओ, टेट्राहेड्रल। कौन सी? टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये तो अपन ने वैसे डिस्कस कर लिया कि CH4। तो देखो जो एल्केन है ना, उन एल्केनों का जो फर्स्ट मेंबर है, वो फर्स्ट मेंबर कौन होता बताओ, CH4। कई बार ये पूछ लेता है कि उसका फर्स्ट मेंबर कौन सा है, तो जो एल्केन सीरीज अपने पास, उस एल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन है बताओ, CH4 है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन नाम स्टार्ट करते हैं CH4 से ही। पहला एग्जांपल लेते हैं अपन कौन सा, CH4, ठीक है। तो CH4 का लेते हैं, तो देखो रूल रेगुलेशन क्या है, सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट, सबस्टिट्यूएंट इसमें एक भी नहीं है। सबस्टिट्यूएंट कौन से होंगे, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, मेथिल, मेथिल, एथिल, OCH3, मेथॉक्सी, एथॉक्सी। ये अपने पास सारे के सारे क्या हैं बताओ, सबस्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी है, ठीक है। क्या क्या है, इसका नाम बोलो एक बार वापस, मेथॉक्सी, इसका नाम क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, मिथाइल, मेथिल, मिथाइल प्रोनाउंसिएशन है, ये एथाइल या एथिल, और यह है एथॉक्सी। ये सारे के सारे सबस्टिट्यूएंट है, तो CH4 में ऐसा कोई सा भी नहीं जुड़ रहा, ठीक है ना, इनमें से। और एक अपन जोड़ भी देंगे, चलो दोनों एग्जांपल ले लें, एक तो CH4 ले लें और एक इसके जोड़ दें, सही है ना, दोनों एग्जांपल लेके चलें, एक इसके में जोड़ दूं, ये लो CH3Cl, ठीक है ना। अगर आप CH4 की बात करें तो CH4 एल्केन है, और CH3Cl की बात करें तो ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, ये 12th क्लास का चैप्टर है
और एल्केन 11th क्लास में आती हैं। तो एल्केन चैप्टर 11th क्लास में, एल्किल हैलाइड 12th क्लास में, दोनों का नोमेनक्लेचर एक साथ बता रहा हूँ। देखो है ना, क्या क्या बताओ मैंने, CH4 फर्स्ट मेंबर था, इसका एक H हटाया और एक H हटाकर उसकी जगह क्या जोड़ दिया बताओ मैंने, है ना। तो H हटाकर के जो जुड़ते हैं ना उनको क्या बोलते हैं बताओ, प्रतिस्थाप या सबस्टेंट बोलते हैं, जो H हटाकर जुड़ते हैं, ठीक है। तो अपन ने एक H हटाया और एक H हटाकर के उसके साथ क्या जोड़ दिया बताओ, सबस्टेंट जोड़ दिया मैंने। अब हालांकि मैंने CL जोड़ा, आप कोई सा भी जोड़ सकते हैं इनमें से, इनमें से कोई सा भी जोड़ सकते हैं, मैथोक्सी भी जोड़ सकते हैं, इनमें से भी जोड़ सकते हैं एक। और चलो अपन क्या करें, इसमें एक और जोड़ दें, तीसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल अपना वही 12th क्लास का एक चैप्टर है, ईथर। ईथर में चले जाते हैं अपन। देखो CH4 था, एक H हटाया, क्या जोड़ दिया बताओ अपने, OCH3 जोड़ दिया, सही है ना। क्या जोड़ दिया बताओ, OCH3। OCH3 कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है बताओ, मेथॉक्सी है। हालांकि मेथॉक्सी एथॉक्सी सारे जोड़ेंगे, लेकिन एक एक बता रहा हूँ, पहले मेथॉक्सी जोड़ दिया, क्लोरो जोड़ दिया, तो आपके पास कंपाउंड हो गए तीन, एक एल्केन, और जब आप CLBRI जोड़ोगे तो एल्किल हैलाइड। हैलाइड कौन से होते हैं, FCLBRI, हेलोजन रे, हेलोजन कौन कौन से होते हैं, FCL, फिर कल बाहर आई आंटी टसन से, इन सब को अपन क्या बोलते हैं बताओ, हेलोजन बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं, है ना। और जब ये यहाँ जुड़ जाएंगे तो इसको बोला जाएगा एल्किल हैलाइड, अभी फिलहाल हेलोजन है, जुड़ जाएंगे जब पूरा नाम क्या बोला जाएगा, एल्किल हैलाइड। ये लो भाई, वो तीन कंपाउंडों का नेम कर रहे हैं अपन, एल्केन, एल्किल हैलाइड और ईथर का। यहाँ बताओ सबस्टेंट कौन सा जोड़ा, क्लोरो, सीएल को क्लोरो ही तो बोलोगे, सीएल को क्लोरो बोलेगा। और यहाँ सबस्टेंट कौन सा जोड़ा बताओ मैंने, OCH3, जो सबस्टेंट है उस सबस्टेंट पर मैं ये गोला लगा देता हूँ। यहाँ सबस्टेंट कौन सा बताओ, क्लोरो, यहाँ सबस्टेंट कौन सा बताओ, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी और क्लोरो, ठीक है। इसमें कोई सबस्टेंट नहीं जोड़ा, सबस्टेंट नहीं जोड़ा और साइक्लिक भी नहीं है, ना तो सबस्टेंट जोड़ा, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो नाइट्रो, ना ये साइक्लिक है। साइक्लिक अगर होता तो साइक्लिक इस प्रकार का होता भाई, जो चारों तरफ से बंद हो जाए, ठीक है ना, जो क्लोज्ड हो चारों तरफ से उसको साइक्लिक बोलते हैं। और साइक्लिक अगर कंपाउंड है तो साइक्लो जुड़ेगा, अदरवाइज नहीं जुड़ेगा। तो बताओ सबस्टेंट नहीं है, कंपाउंड साइक्लिक भी नहीं है, तो क्या काम मिले, अब रूट वर्ड आता अपना मैथ है, प्रोब्यूट पेंट, तो इसमें बताओ कितना कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन है तो रूट वर्ड क्या आएगा बताओ, मैथ, ठीक है। और उसके बाद रूट वर्ड आ गया, मैथ है प्रोब्यूट पेंट होता ये, एन एन आइन, इसमें देखो सारे सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एन, डबल होता है तो और ट्रिपल होता तो आइन, सिंगल बॉन्ड अगर होता है तो बोलो एन, डबल होता है तो एन, और जब वो ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो आइन, ठीक है ना, सिंगल डबल और ट्रिपल। अभी सिंगल है तो क्या जोड़ेंगे बताओ, देखो वापस, एक कार्बन है तो रूट वर्ड क्या जोड़ा, मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ा, एन, तो मैथ प्लस एन, तो इसका नेम होगा मैथ प्लस एन इक्वल मैथेन। तो फर्स्ट जो मेंबर है एल्केन का वो है मैथेन, और इसका फर्स्ट मेंबर ये आ गया, ठीक है, इसका नेम लिखते हैं। अब इसमें बताओ सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, सबस्टेंट का, सबस्टेंट कौन सा है, क्लोरो, तो सबसे पहले सबस्टेंट लिखेंगे क्लोरो, साइक्लिक वो नहीं है, उसके बाद क्या लिखेंगे, रूट वर्ड मैथ हेथ प्रोप, और फिर क्या जोड़ेंगे, एन इन आइन, सिंगल बॉन्ड या अभी भी एन ही आएगा, तो सबसे पहले सबस्टेंट कौन सा, क्लोरो, फिर मैथ, फिर एन, सबसे पहले सबस्टेंट,
क्लोरो, ठीक है। उसके बाद एक कार्बन है तो मैथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्लोरो मैथेन, ठीक है। इसका आ जाओ सबस्टेंट कौन सा बताओ, मैथॉक्सी है, तो सबसे पहले सबस्टेंट को लिखेंगे मैथॉक्सी, मैथॉक्सी हो गया सबस्टेंट, जिसमें मैंने कोड़ा लगा रखा वो सबस्टेंट है। उसके बाद एक कार्बन है, एक कार्बन है तो देखो ये वाला कार्बन काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो किस में चला गया, सबस्टेंट में चला गया, वो तो सबस्टेंट है उसको काउंट नहीं करेंगे, इधर काउंट करेंगे ओलिसियस थ्री को, इसको। एक कार्बन है तो मैथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया बताओ, ये मैथॉक्सी मैथेन, क्या हो गया मैथॉक्सी मैथेन, ठीक है। ये इनका फर्स्ट फर्स्ट मेंबर हो गया भाई। एक एग्जांपल आगे बढ़ाते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका, कार्बन बढ़ा दें, दो कार्बन कर दें, इधर भी दो कार्बन कर दें, दूसरे एग्जांपल में ये, और इधर भी दो कार्बन कर दें, ये लो। तो इसमें भी आपने कार्बन टू कर दिए, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन टू है, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन टू है। इसमें कोई सबस्टेंट नहीं है भाई, कोई सबस्टेंट नहीं है। कार्बन चेन सबसे पहला काम होता, कार्बन चेन कितने वाली है, दो, दो है तो क्या जोड़ेंगे बताओ आप, एथ, तो सबसे पहले आप लिखेंगे एथ, ठीक है। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या क्या नहीं है इसमें, सबस्टेंट नहीं है और साइक्लो नहीं है, रूट वर्ड एथ और सिंगल बॉन्ड है तो एथेन। इसमें आ जाओ, सबस्टेंट है कौन सा सबस्टेंट है बताओ, क्लोरो है, कौन सा है क्लोरो है, तो सबसे पहले सबस्टेंट को लिखा जाएगा, तो सबसे पहले आप सबस्टेंट को लिखेंगे क्लोरो। उसके बाद मूल शब्द है ना, या रूट वर्ड, दो कार्बन है तो बोलो, दो कार्बन है तो एथ और सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम हुआ, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। उसमें चले जाओ, सबस्टेंट कौन सा बताओ, उसमें वही मैथॉक्सी है, ये रहा सबस्टेंट कौन सा, मैथॉक्सी, और दो कार्बन है तो एथेन। भाई इसमें एक कार्बन था, वन कार्बन था तो मैथेन, टू कार्बन है तो एथेन, इसको क्या बोलोगे, ओ सी एच थ्री को क्या बोला जाएगा, मैथॉक्सी, मैथॉक्सी, और ये टू कार्बन है तो एथेन, क्या नाम हुआ बताओ, मैथॉक्सी एथेन, मैथॉक्सी एथेन, दो कार्बन तक हो गए, ठीक है। अब कार्बन बढ़ाते हैं, पर तीनों में एक साथ ही है ना, बताओ कितने कार्बन है, थ्री कार्बन है, थ्री कार्बन है तो क्या आ जाएगा बताओ, प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, सबस्टिट्यूएंट भी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें यहां काम में नहीं आएंगी, क्या क्या, ना साइक्लो आएगा, ना कोई सबस्टेंट है, और ना कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना भाई। तो इसका नाम क्या हुआ बताओ, प्रोपेन। अब अपन जोड़ते हैं इसमें सीएल, अब जरूरी नहीं सीएल और बीआर भी लगा सकते हैं आप, ठीक है, सीएल बीआर आई कुछ भी लगा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ये रहा, देखो भाई आईपीसी नेम जब लिखते हैं तो उसका सबसे पहला जो रूल है वो है कार्बन चेन का सिलेक्शन। रूल मैंने नहीं लिखवाए क्योंकि रूल अपन नेम लिखेंगे ना तो उसी में रूल काम आ जाएंगे। सबसे पहला रूल क्या होता बताओ, कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं अपन, ठीक है, और वो होनी चाहिए सबसे लंबी,
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम ही क्या होगा बता आपको, कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे आप, और इसमें कार्बन चेन आप सेलेक्ट करें, देखो कार्बन चेन कितनी वाली सिलेक्ट हुई, तीन वाली, ठीक है। इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये तो सबस्टेंट है, कार्बन नहीं है, अपन को कार्बन 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 सेलेक्ट करना है इस प्रकार से, ये कार्बन 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 ये चेन सेलेक्ट करनी है। तो कार्बन चेन कितनी वाली सेलेक्ट होगी बताओ, तीन वाली, इसमें भी कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, इसमें भी कार्बन चेन कितनी वाली सेलेक्ट होगी, तीन वाली। अब से पहले जरूरत नहीं पड़ रही थी क्योंकि कार्बन या तो एक था या दो था, वन और टू कार्बन था, कार्बन चेन सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, अब रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना भाई। दो से ज़्यादा जब कार्बन चले जाएंगे तो आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, आप ये मानना, ठीक है ना। एक दो कार्बन तक नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, नंबरिंग करने, क्योंकि अब देखो नंबरिंग करें अपन, अब तो सबसे पहले जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करने का तरीका क्या है, देखो नंबरिंग करने के लिए देखा जाता है प्रिफ्रेंस ऑर्डर, सबसे पहले देखा जाता है फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद देखा जाता है या तो डबल या ट्रिपल, और उसके बाद देखा जाता है किसको, सब्स्टिट्यूएंट को। ये तरीका होता है नंबरिंग करने का। इन दोनों एग्जांपलों को देखो, फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप देखने की जरूरत ही नहीं। फिर देखेंगे किसको, डबल या ट्रिपल को, कि कंपाउंड में डबल या ट्रिपल है या नहीं, डबल ट्रिपल भी नहीं है, फिर किसको देखा जाएगा बताओ, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट है इसमें Cl, तो नंबरिंग उधर से की जाएगी जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ता है, ठीक है। रूल क्या है दोबारा बताओ, नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़े, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल या ट्रिपल नज़दीक पड़े, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़े, ठीक है ना भाई। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो क्या बोलोगे आप, नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियर हो, डबल या ट्रिपल, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल या ट्रिपल नियर हो, और अगर ओनली सब्स्टिट्यूएंट हो तो सब्स्टिट्यूएंट बोल देंगे। यहां कौन है बताओ, ओनली सब्स्टिट्यूएंट है, ना फंक्शनल ग्रुप है ना डबल ट्रिपल है, तो ओनली क्या है बताओ, नंबरिंग उधर से करें जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नियर हो, नज़दीक पड़ता हो, तो नंबरिंग इधर से करेंगे, वन टू थ्री, क्योंकि इधर से नज़दीक है, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो देखो Cl की नंबरिंग इधर से करोगे तब भी वन टू थ्री टू पे आ रहा है, और इधर से करेंगे जब भी टू पे आ रहा है, तो किधर से भी कर दो इसकी नंबरिंग, कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग इसकी करनी पड़ेगी आपको इधर से, इसकी नंबरिंग तो इधर से कर दे, इधर से कर दे, क्लोरो कौन सी पे आ रहा है, टू पे आ रहा है। अब नंबरिंग कर दिया अपन ने, नंबरिंग करने के लिए ये प्रिफरेंस ऑर्डर फॉलो करेंगे आप, सबसे पहले किसको देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल ट्रिपल, और सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इधर से नंबरिंग उधर से करें जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़े, अपने नंबरिंग कर दी। लिखने का तरीका वही है, जब आप आईपीसी नेम लिखेंगे तो आईपीसी नेम लिखने के लिए सबसे पहले किसको लिखेंगे बताओ, सब्स्टिट्यूएंट को। अभी साइक्लिक कंपाउंड अपन पढ़ ही नहीं रहे तो साइक्लो तो बिल्कुल भूल जाएं। अब बार बार साइक्लिक का मैं जिक्र ही नहीं करूंगा, क्यों, अपन साइक्लिक कंपाउंड अभी नहीं पढ़ रहे, जब एल्केन एल्केन एल्काइन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद रहेंगे साइक्लिक कंपाउंड, तो साइक्लो तो अपन काम में लेंगे ही नहीं, तो सीधा आ जाओ क्या, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या लिख दिया करो, रूट वर्ड मेथ एथ प्रोप, और उसके बाद में डायरेक्ट क्या लिख दो, एन इन आइन। अभी मैं फंक्शनल ग्रुप की बात भी नहीं कर रहा, तो फंक्शनल ग्रुप भी ऐड नहीं करेंगे अपन अभी, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर रूट वर्ड, फिर एन इन आइन, बस तीन चीज देखनी है आपको, क्या क्या बताओ, सब्स्टिट्यूएंट, रूट वर्ड, एन इन आइन, बस ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग उधर से कर दीजिए जिधर से सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखोगे विद पोजिशन, सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट को, उसकी पोजीशन के साथ, तो Cl कौन सी पोजीशन पे है, तो आप लगाएंगे वन उसके बाद हाइफन, फिर ये Cl क्लोरो, वन क्लोरो हो गया भाई, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया, यहां लिख देता हूं वापस, देखो
सबसे पहले किसको लिखेंगे आप? सब स्टूडेंट को। उसके बाद बोलो रूट वर्ड, और उसके बाद में एन, इन, और एल्केन चल रहा है अभी, एल्केन चल रहा है तो क्यों दिमाग लगाओ ज्यादा, एन ही आएगा। बोलो सीख नहीं, एल्केन चल रहा है अभी, डबल ट्रिपल अभी काम में अपन नहीं ले रहे, डबल ट्रिपल काम में नहीं ले रहे, तो यही आएगा। बस बस सबसे पहले किसको लिख देंगे? सबस्टेंट, फिर रूट वर्ड, फिर एन इन आइन। दोबारा बोलो, सबसे पहले, फिर एन, एन ही ओनली है ना, लिखे सबस्टेंट लिख दिया, कौन सा बताओ? वन क्लोरो विद पोजीशन, रूट वर्ड, कार्बन काउंट करो, मैथ एथ प्रोप, तो क्या लिखेंगे बताओ आप? प्रोप लिखेंगे ओनली, फिर क्या लिख देंगे? एन, तो नेम क्या हो गया बताओ? वन क्लोरो प्रोपेन, वन क्लोरो प्रोपेन, और इसमें सीएल कौन सी पोजीशन पर है? कौन सी पर है? टू पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? टू क्लोरो प्रोपेन। अच्छा, ये जो हाइफन है ना, ये हाइफन हमेशा, ये जो नंबर लिखे जाते हैं ना, वन टू थ्री फोर, तभी काम आता है। जब इस प्रकार के वर्ड लिखते हैं आप, क्लोरो प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन है ना, तब ये हाइफन काम में नहीं आएगा। ठीक है, हाइफन कब काम में लेंगे? जब नंबर हो, वन टू थ्री फोर, तब काम में लेंगे हाइफन, अदरवाइज हाइफन काम में नहीं आएगा। तो ये तो हो गया एल्केन, ये हो गया एल्किल हैलाइड, और अब किसको ले बताओ? ईथर, अब ईथर ले लें, चलो ईथर लेते एक एग्जाम्पल। ये इधर लो, ठीक है, रूल क्या बताऊं? सबसे पहला काम क्या होता है? कार्बन चेन का सिलेक्शन, नंबरिंग लिखने से पहले, मतलब नेम लिखने से पहले ये काम करना पड़ेगा अपन को। क्या होता है बताओ? कार्बन चेन का सिलेक्शन। इधर जाओगे तो कार्बन चेन ओनली एक वाली है, और इधर जाओगे तो कार्बन चेन दो वाली है, तो कार्बन चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, मैंने आपसे कहा था। तो इधर आप कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं तो कितनी वाली हो रही बताओ? आगे क्यों नहीं गए? कार्बन कार्बन, आगे क्या आ गया? ऑक्सीजन, और आपको सेलेक्ट क्या करना? ओनली कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो कार्बन चेन कितनी वाली हुई बताओ? कार्बन चेन दो वाली सेलेक्ट हो गई, नंबर ऑफ कार्बन कितने इसमें? टू, वो सेलेक्ट हो गई। नीचे वाली में कार्बन चेन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे बताओ? थ्री, थ्री कार्बन है। ये इधर वाली सेलेक्ट क्यों नहीं किया आपने? उसमें ओनली वन कार्बन था, इधर वाली क्यों सेलेक्ट कर ली? थ्री कार्बन है। इधर वाली सेलेक्ट क्यों नहीं की? वन कार्बन है। इधर वाली सेलेक्ट क्यों कर ली? टू कार्बन है। लॉन्गेस्ट होनी चाहिए कार्बन चेन, ध्यान रखना, कार्बन चेन क्या होनी चाहिए? लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, पहला काम क्या होता बताओ? कार्बन चेन का सिलेक्शन। रूल फर्स्ट होता है सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, और दूसरा होता है किसका? नंबरिंग का, वन टू थ्री फोर। तो पहले कार्बन चेन का सिलेक्शन किया करो और उसके बाद नंबरिंग किया करो। कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, क्या करें बताओ? अब नंबरिंग उधर से करें जिधर से, तीनों में से बोलो क्या बोलोगे? जिधर से सबस्टिट्यूएंट नजदीक पड़े। क्यों? डबल ट्रिपल भी नहीं है और फंक्शनल भी फिलहाल नहीं है, ओनली कौन है? तो नंबरिंग किधर से करें? जिधर से सबस्टिट्यूएंट नजदीक पड़ता हो। तो इधर से करोगे तो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है बताओ? ये पहली पोजीशन पर, और अगर इधर से करते तो दूसरी पोजीशन पर, तो इधर से सही है। इसमें भी नंबरिंग आप इधर से कर देंगे, इधर से कर दें, वन टू और थ्री, ऊपर लिख दे नीचे लिख दे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। कार्बन चेन सेलेक्ट कर दी, नंबरिंग कर दी, अब नाम लिखे। सबसे पहले किसको लिखेंगे बताओ? सबस्टेंट कौन सा है? OCH3, और OCH3 को आप क्या बोलते हैं बताओ? मेथॉक्सी बोलते हैं।
और मेथॉक्सी कौन सी पोजीशन पर है? पोजीशन लिखना जरूरी है भाई, वन पोजीशन पर है, तो आप इसको लिखेंगे वन मेथॉक्सी, वन मेथॉक्सी, और दो कार्बन है तो एथेन, सही है ना। सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट लिख दिया वन मेथॉक्सी, रूट वर्ड क्या लिखा एथ, फिर क्या लिख दिया एन। इसमें बताओ सबसे पहले क्या लिखे, कौन सा सबस्टिट्यूएंट है मेथॉक्सी, कौन सी पोजीशन पर, वन मेथॉक्सी, रूट वर्ड बोलो थ्री कार्बन है, इसको काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना ये जो रूट वर्ड है वो किसका लिखा जाएगा, कार्बन चेन का, कितने कार्बन है इसमें, थ्री कार्बन है तो बोलो प्रोप, रूट वर्ड हो गया, अब क्या लगाएंगे एन, तो इसका पूरा नाम बोलो क्या बन गया ये, वन मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अलग अलग कर रहा हूं मैं, अब कोई सब ले सकता हूँ, एल्केन ले लूँ, एल्केन हैलाइड ले लूँ या फिर ईथर ले लूँ, ठीक है, और फिर अपन नाम इसका करते हैं, अब ले लूँ अलग अलग, कोई सब ले लें भाई, है ना। पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो ये CH3 ये लो, ये एग्जांपल अपने पास। अब बताओ पहले ये एल्केन है, एल्किल हैलाइड है या ईथर है, ईथर है, ईथर होते आर ओ आर, कैसे लिखते हैं ईथरों को, आर ओ आर, देखो ये आर, फिर ये ओ, फिर ये आर, तो ईथर होते हैं क्या, आर ओ आर, नाम लिखें इसका। तो सबसे पहला रूल क्या होता बताओ, कार्बन चेन का सिलेक्शन, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप सेलेक्ट करेंगे तो कार्बन चेन लॉन्गेस्ट, इसमें कितनी वाली यूरिया बताओ, चार वाली यूरिया, कौन सी, चार वाली, अगर ये थोड़ा सा ऊपर चली जाती तब भी ऊपर चले जाते भाई अपन कार्बन चेन सेलेक्ट करने, ध्यान रखना, अभी मैं एग्जाम्पल बताऊँगा जब देखेंगे। पहला काम क्या बताओ, कार्बन चेन का सिलेक्शन कितने वाली सेलेक्ट कर लिया आपने, चार वाली सेलेक्ट कर ली कार्बन चेन का सिलेक्शन। दूसरा काम बताओ, नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से सब्सटिट्यूएंट नज़दीक पड़ेगा, इधर से करते हैं तो कौन सी पर आएगा, वन टू थ्री पर आ रहा है, और इधर से करते हैं तो कौन सी पर आ रहा है, वन टू थ्री फोर, सब्सटिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पर है बताओ, टू पर है। अब नाम लिखें इसका, दोनों काम कर लिया आपने, दो ही काम करने होते हैं बस, पहला सिलेक्शन, दूसरा नंबरिंग, पहला बोलो दूसरा, पहला सिलेक्शन दूसरा नंबरिंग, दोनों काम आपने कर दिए, कार्बन चेन का सिलेक्शन कर दिया, दूसरा नंबरिंग कर दी। अब नाम लिख दें, नाम लिखेंगे तो सबसे पहले किसको लिखते हैं बताओ, सबसे पहले बोलो किसको लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, फिर रूट वर्ड को, और उसके बाद एन, ये तरीका लो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट दूसरी पोजीशन पर है और कौन है बताओ, मेथॉक्सी है, टू मेथॉक्सी, रूट वर्ड कितने कार्बन है कार्बन चेन में, चार है तो ब्यूट, और उसके बाद एन, तो इसका नाम हो गया टू मेथॉक्सी ब्यूटेन, सही है ना, टू मेथॉक्सी ब्यूटेन, ये ईथर का नाम हो गया ना। अगले पेज पर अगला एग्जांपल ले लें, ये लो भाई, कंपाउंड कैसा भी हो वो बाद में देखेंगे कि इसका नाम क्या होगा क्या नहीं होगा, आप तो रूल फॉलो करो, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या है बताओ, कार्बन चेन का सिलेक्शन, अब कार्बन चेन का जब सिलेक्शन करते हैं तो अंतिम सिरे से चलते हैं, ध्यान रखना, या तो इधर से चलो या इधर से चलो, यहां से चल ही नहीं सकते, एक कार्बन के बाद वो आ गया कार्बन चेन नहीं है, यहां आओ एक दो थ्री फोर, सही है ना,
तो बताओ कार्बन चेन कितनी वाली सिलेक्ट करी आपने, फोर कार्बन है इसमें, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते, ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है दोबारा बताओ, कार्बन चेन का सिलेक्शन फर्स्ट रूल है। दूसरा बताओ, नंबरिंग इधर से करते तब भी ये सेकंड पे आ रहा है, और इधर से करते हैं तब भी सेकंड पे आ रहा है, तो आप किधर से कर दें, नंबरिंग का भी कोई इशू नहीं है इसका। नंबरिंग कर रहे हैं अपन, 1, 2, 3, 4। लिखने का जो तरीका था मैं एक बार फिर लिख रहा हूँ, सारे एग्जांपलों में लिख दूंगा। सबसे पहले सब्सटेंट, उसके बाद बोलो रूट वर्ड, उसके बाद क्या जोड़ेंगे अपन, एन जोड़ेंगे। ये आपके लिखने का तरीका हो गया। सबसे पहले किसको लिखेंगे बताओ, सब्सटेंट है कौन, मैथॉक्सी कौन है, और मैथॉक्सी भी कितने हैं, दो हैं, बोलो सही नहीं, कितने हैं, दो हैं। सेम सबस्टिट्यूएंट अगर एक से ज़्यादा हूँ तो 2, 3, 4, 5, 6 आप 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा वर्ड काम में लेंगे। भाई सबस्टेंट कितने हैं ये भी तो बताना पड़ेगा ना, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, सही है कि नहीं, तो सबस्टेंट कितने ये बताना पड़ेगा आपको। पहली बात, सबस्टेंट है कौन सा बताओ, OCH3 को बोलते हैं क्या, मेथॉक्सी। ये रहा देखो, OCH3 को क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी, और मेथॉक्सी हैं कितने, 2 मेथॉक्सी है, मेथॉक्सी कितने हैं, ठीक है, दोनों को लिखो विद पोजीशन। सबस्टिट्यूएंट को बिना पोजीशन नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखना कभी भी, ठीक है। जब भी आप सबस्टिट्यूएंट को लिखना चाहोगे तो उसकी पोजीशन जरूर बताओगे। बताओ मेथॉक्सी कौन कौन सी पोजीशन पर है, 2, 3 कोमा लगाना है, दो नंबर के बीच कोमा लगाना है, हो गया। अब हाइफन के बाद दो मेथॉक्सी है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले डाई है ना, 2 के लिए डाई लगाया, और अगर ऐसे ही 3 होते तो मैं ट्राई लगा देता, दो है तो ओनली डाई। और OCH3 है कौन बताओ, तो इसका नाम हुआ 2,3-डाई मेथॉक्सी। सबस्टेंट हो गया भाई, सबस्टेंट के बाद बताओ रूट वर्ड, कितने कार्बन है, 4 है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम है 2,3-डाई मेथॉक्सी ब्यूटेन। अब 2 की बजाय 3 जोड़ देंगे, 3 के लिए क्या काम आ जाएगा बताओ, ट्राई काम आ जाएगा, 3 के लिए ट्राई आ जाएगा, तो मैं 3 जोड़ देता हूँ, 3 सबस्टेंट जोड़ रहा हूँ सेम। ये लो OCH3, बोलो सही नहीं, पहले तो बताओ ये एल्केन है, एल्किल हैलाइड है या ईथर है, ईथर है भाई, ठीक है। सबसे पहला काम बताओ क्या होता है, कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे आप सबसे पहले। दूसरा काम बताओ, नंबरिंग इधर से करोगे तो भी 2 पर आ रहा है, और इधर से करोगे तो भी 2 पर आ रहा है, तो किधर से भी कर दें, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसका नाम लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले किसको लिखेंगे बताओ, सबस्टेंट, फिर रूट वर्ड, फिर एन, ये तरीका है। लेकिन सबस्टेंट कितने हैं, 3 सबस्टिट्यूएंट, सेम की बात कर रहा हूं मैं, सेम सबस्टिट्यूएंट अगर एक से ज्यादा हो तो आप डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा काम में लेंगे। 3 सेम सबस्टिट्यूएंट है, ट्राई सेम हो तो ध्यान रखना, अलग हो तो अलग अलग लिख देंगे उनका नाम, अभी बताऊंगा उनका भी।
लेकिन सेम हो तो आप काम में लेंगे ट्राई। तीन सेम सबस्टिट्यूएंट है ट्राई, सबसे पहले उनकी पोजीशन बताओ, बताओ कौन कौन सी पोजीशन पर है, 2, 3, 4 ट्राई, तीन है इसलिए ट्राई, और है कौन, मैथॉक्सी, 2, 3, 4 ट्राई मैथॉक्सी सबस्टिट्यूएंट हो गया। सबस्टिट्यूएंट के बाद बताओ कितने कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या काम में लेते हैं आप, पेंट, और उसके बाद एन पेंटेन, तो इसका नाम हो गया 2, 3, 4 ट्राई मैथॉक्सी पेंटेन। अब मैं ये मैथॉक्सी काम में न लेकर के मान लो सीएल काम में लूं, तीनों में से कोई सा एग्जांपल हो सकता था ना, सीएल काम में लूं, ये लो ये सीएल काम में लूं, तो ये कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई। दूसरा काम क्या करें बताओ, इसका नंबरिंग का, नंबरिंग 1 का किधर से करते हैं नंबरिंग, जिधर से सबस्टिट्यूएंट नजदीक पड़ता, इधर से कर लो तो भी 2 पे आएगा, इधर से कर लो तो भी 2 पे आएगा, तो 1, 2, 3, 4 ठीक है हो गया। अब बताओ सबसे पहले किसको लिखा जाता है, सबस्टिट्यूएंट को, फिर रूट वर्ड को, और उसके बाद एन लिखा जाएगा क्योंकि अभी फिलहाल एल्केन चल रही है तो समय एन काम आएगा, एल्केन के सबस्टिट्यूएंट चल रहे हैं है ना, तो सबसे पहले किसको लिखे बताओ, सबस्टिट्यूएंट को, कितने सबस्टिट्यूएंट हैं, 2 के लिए क्या काम आएगा, है डाई काम आएगा, पोजिशन लिखो सबसे पहले, बोलो 2, 3 डाई क्लोरो